हे हाय सुनकर तो, मगर आती नहीं हमसे। कोई कहता है जब जय हिंद तेरी याद आती है। सभी प्रिय साथियों को वंदे मातरम, आदाब। कैसे हो? उम्मीद करूंगा सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास, और इसी राजस्थान के इतिहास में हमने पिछले भाग में पढ़े शिलालेख और प्रशस्ति, उसकी तीन चार प्रशस्तियां रह गई थी, वो करवाते हैं, फिर हम आगे जो वंश पढ़ने वाले हैं उसकी ओर बढ़ते हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, मैं कंप्लीट करवाऊंगा, आप शुरू से लेकर अंत तक नोट्स बना सकते हो, कतई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और आपका थोड़ा सा भय रहता है कि 2 दिन बाद इतिहास की क्लास दी है सर आज, तो 1-2 दिन ऐसे हो जाए तो घबराया करो मत, 1-2 दिन में ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। ठीक है, तो हम जो पढ़ेंगे आज, देखो हमने पीछे जो छोड़ा था शिलालेख और प्रशस्तियों में, वो एक छोड़ी थी राज प्रशस्ति। सभी इस नाम से अवगत है और इसके प्रश्न एग्जाम में भी आते हैं, तो सुनिएगा राज प्रशस्ति को याद कैसे करना है। सबसे पहले आप इस राज को पकड़िएगा, राज से ये किस शासक द्वारा लगाई गई थी? तो शासक राज सिंह। कहां पर लगाई गई? राजसमंद झील। राजसमंद जो झील है वो किस जिले में है? राजसमंद में। राज प्रशस्ति, राज सिंह, राजसमंद झील, राजसमंद जिला। सिंपल, इतना याद हो गया। अब इसकी बात याद रखना सर, इसके लेखक जो थे वो कौन थे? तो इसके जो लेखक थे वो थे रणछोड़ भट्ट तेलंग। ये इसके क्या थे? लेखक। राज प्रशस्ति जो है वो 25 शिलालेखों पर लिखी गई है, और मेरे साथियों ये जो 25 शिलालेख हैं किस रंग के हैं? काले रंग के। काले रंग के कितने शिलालेखों पर है? 25 शिलालेखों पर है। 1914 श्लोक है इस प्रशस्ति में। अब आप कहोगे सर ये किस भाषा में है? तो याद रखना इस प्रशस्ति की जो भाषा है वो है संस्कृत। संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इस प्रशस्ति में क्या है? तो इसमें इतिहास है। क्या है भाई? इतिहास। वो भी किसका? मेवाड़ का। मेवाड़ में अगर पूछ ले कहां से कहां तक, तो मेवाड़ का प्रथम प्रतापी राजा था बप्पा रावल। बप्पा रावल से राज सिंह तक का क्या लिखा गया है दोस्तों? इतिहास। तो मेरे साथियों समझ में आई, बप्पा रावल से राज सिंह तक का इतिहास है किसके अंदर है? इस राज प्रशस्ति के अंदर। अब मेरी बात सुनना, क्या मेवाड़ में इतने राजा हुए थे क्या राज सिंह तक? लेकिन एक बात और याद रखना, इसमें रतन सिंह का नाम नहीं मिलता है, नाम नहीं है। मेवाड़ मुगल संधि का विवरण मिलता है। मेवाड़ मुगल जो संधि हुई थी उसका भी उल्लेख मिलता है, याद रखना। अब ये जो है इतना इतिहास थोड़ी ना था, आगे भी आएंगे राजा बिल्कुल। तो सर बच गया जो शेष इतिहास है, उसकी जानकारी कहाँ मिलती है मेवाड़ के शेष इतिहास की? वो मिलती है अमर काव्य वंशावली में। अमर काव्य वंशावली, इसके जो लेखक थे वो थे रणछोड़ भट्ट। वहीं थे रणछोड़ भट्ट तेलंग। तो याद रखना शेष इतिहास की जो जानकारी मिलती है वो कहाँ मिलती है? अमर काव्य वंशावली में। सिंपल, तो राज प्रशस्ति राज सिंह, राजसमंद झील, राजसमंद जिला है। लेखक रणछोड़ भट्ट तेलंग, 25 शिलालेखों पर है काले रंग के। और काले शिलालेख नोट लगा के लिख लेना, बेस लाना जयपुर के प्रसिद्ध है। बेस लाना जयपुर के, तो काले शिलालेख कहाँ के हैं नोट लगा लिख लेना, जयपुर के प्रसिद्ध है। भाषा संस्कृत में लिखी गई है, इतिहास मेवाड़ का है, पप्पा रावल से राज सिंह तक का। रतन सिंह का नाम नहीं मिलता, मेवाड़ मुगल संधि का भी उल्लेख है, और शेष जो इतिहास है उसकी जानकारी मिलती है अमर काव्य वंशावली के अंदर। ये हम उम्मीद करेंगे आपको राज प्रशस्ति क्लियर हुई। इसी के जैसी एक प्रशस्ति हो रहा है, इसमें राज लिखा है बस इसमें राय प्रशस्ति है। ये दोनों एग्जाम में पजल करेंगी, लेकिन हमें ज़्यादा लोड नहीं लेना है। राज का मतलब राजसमंद, और बच गई जो राज प्रशस्ति, राय प्रशस्ति जो है वो राजस्थान के किस जिले में? बीकानेर में। किस दुर्ग में? जूनागढ़ में। जूनागढ़ में गेड़ा हुआ जमीन का जेवर, बिल्कुल सर। तो कदे चलांगा घूमन सारा, टेंशन ना लियो। राय प्रशस्ति जो है इसके लेखक जो थे वो कौन थे? तो इसके लेखक थे जैन मुनि जयिता।
इसके जो लेखक थे वो कौन थे? जैन मुनि जैता। केवल जैता नाम याद रखोगे तो ही थरुना को लाग जागो। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ गुरुजी आ गई। एक राज प्रशस्ति पढ़ी, एक राय प्रशस्ति, और एक अपा और देखनी प्रशस्ति। सर वो कौन सी प्रशस्ति है? वो प्रशस्ति जो है उस प्रशस्ति का नाम है, वो शिलालेख है, वो शिलालेख है, ये प्रशस्ति थी। एक मिनट साथियों, ये ब्लैक हो रहा है थोड़ा, मैं कोई कपड़ों कपड़ों ले लूँ, एक मिनट रुक जो थे। ऐसी जिंदगी होगी हर तरफ खुशी होगी, इतना प्यार दूंगा तुझे ए मेरे सनम। ए हो जा साफ है। लो भाई लो, अब कौन दिखा है? थारे लिए करना पड़ा और क्या करना, फिर दिखा ना वो साहब, कमेंट करो गुरु जी साहब कौन दिखा है। करो जिए तो फिर जिए कैसे, और बिल्लो बगे बिल्लियां दा करेंगी फिर की। सुनिएगा अपराध से अब बिजोली से लेकर बारम लड़ा। देखो इस बैग को पकड़ो, पकड़ लिया, बिल्कुल पकड़ लिया सर। अब छोड़ दो, बै से भीलवाड़ा। बिजोलिया जो है वो किस जिले के अंदर है? भीलवाड़ा में। बिजोलिया किसान आंदोलन भी हुआ था, जो भारत का सबसे बड़ा किसान आंदोलन था, वह भी कहाँ है? भीलवाड़ा के अंदर। इस बिजोलिया शिलालेख के अंदर कुल 13 पद है। पद को संख्या कितनी है? 13 पद। बिजोलिया शिलालेख में जो देखे हैं, वासुदेव का नाम सुना होगा, बिल्कुल चौहान वंश का संस्थापक सर यही था, बिल्कुल वही वासुदेव। वासुदेव को सांबर झील का निर्माता माना है। सांबर, ये प्रश्न रेट में आया था और रेट वालों सबसे महत्वपूर्ण भी है ये। वासुदेव को सांबर झील का निर्माता कहाँ माना है, कहाँ कहा गया है? बिजोलिया शिलालेख में। वासुदेव ने शाकंभरी माता का जो मंदिर है वो सांबर में बनवाया, यानी शाकंभरी माता का जो उल्लेख है वो भी कहाँ मिलता है? बिजोलिया शिलालेख में। यही थी चौहान वंश की कुल देवी। अजमेर के जो चौहान है वो अजमेर के चौहान थे, उनकी कुलदेवी। इसी पर श्रीमाल माल का नाम मिलता है भीनमाल। ये किस जिले में है सर? जालौर में। चौहानों को देखो, यहां ये शिला लिख इस तरह से लिखा हुआ था, और इस शिला पर लिखे पर लिखा हुआ था वस्त्र गोत्र ब्राह्मण। पूरा तो ये लिखड़ो श्री भूते वत्र भाव वस्त्र गोत्र ब्राह्मणिया से लिखड़ो। तो चौहान वंश को क्या कहा गया है? यहाँ वत्स गोत्र ब्राह्मण बताया, वत्स गोत्र ब्राह्मण। तो चौहानों को जो ब्राह्मण बताया गया है वो किस शिलालेख में? तो मेरे साथियों आपके जहन में एक ही बात होनी चाहिए, अब बिजोलिया का जो शिलालेख है उसमें। सिंपल, इतनी बात आपको याद हो गई। आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे वंश की ओर, और जो आज वंश पढ़ने वाले हैं, जानदार मज़ेदार सबसे मस्त टॉपिक है, थोड़ा सा दिल लगा के पढ़ना। दिल लगा लोगे तो वो आपको क्या है, वो कहते हैं ना, अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहे तो पूरी कायनात उसे आपका बनाने में लग जाती है। कोई भी काम करो शिद्दत से चाहो और ज़रूर सफलता मिलेगी। अब जो आज हम वंश पढ़ने वाले, पहले हम मैं एक आपको बात बताता हूँ, सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजपूत काल को। किस काल को पढ़ेंगे? राजपूत काल को। राजपूत काल का जो समय माना जाता है वो 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य, ये था राजपूत काल। आइएगा इनको जान लेते हैं बेहतर तरह से, राजपूत काल क्या था। वो आपनो प्यारो सो सुंदर सो भारत है वर्तमान को, ये रहा प्रेम बहुत है भाई भारत से। सुनिएगा ध्यान से, यहां एक रियासत थी और इस रियासत का नाम था कन्नौज। ये वाला जो बंगाल वाला है, यहां पर एक वंश राज कर रहा था जिसका नाम है पाल वंश। यहां आप स्थान का नाम जानो, राष्ट्रकूट। ठीक है, अब सुनिएगा, ये राष्ट्रकूट हो गया, ये पालवंश हो गया, यहाँ कन्नौज। कन्नौज पर जो वर्धन वंश राज कर रहा था, और वर्धन वंश का राजा था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का अगर हम शासनकाल देखें तो
तो 606 से लेकर 641 ईस्वी। जैसे ही ये मरता है 641 में राजपूत काल शुरू हो जाता है। 641 से लेकर 1192 तक त्राइन का द्वितीय युद्ध होगा जब तक चलेगा राजपूत काल। ये जो थे यहां इधर एक ये गुजरात, ये जो गुजरातरा प्रदेश है यहां पर एक वंश था गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर कैसे नाम हुआ बताते हैं। गुजरात में गुर्जर जो क्षेत्र था गुजरातरा जिनके मान रहने कारण का नाम क्या पड़ा गुर्जर प्रतिहार। अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। अब ये थी यहां इस तरह से सत्ता थी यहां पर और इनके मध्य होता है मेरे साथियों त्रिपक्षीय संघर्ष। देखो तीन ही जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु हुई कन्नौज उस समय देखो जैसे अपा मुगल काल तक आ गया दिल्ली सल्तनत तक आ गया तो दिल्ली एक सबसे मजबूत केंद्र हुआ करता था और वर्तमान में भी दिल्ली एक मजबूत केंद्र है। जी हाँ राजस्थान की राजधानी जयपुर, जयपुर एक मजबूत केंद्र है। ऐसे ही उस समय कन्नौज जो था वो सबसे मजबूत केंद्र था वर्धन के समय, यानी सबसे व्यापार वगैरह ज़्यादा, यानी सबसे भारत में जिसके पास कन्नौज है समझो भारत उसका। जैसे राजस्थान में जिसके पास आज जयपुर है तो समझो राजस्थान, मतलब जयपुर में जो भी है यहाँ को नहीं हर कोई व्यक्ति वही उसका राजस्थान हो जाएगा समझो मंत्रियों में। ऐसे ही उस समय जैसे मानो, जैसे मान लो भारत का मुगल बादशाह था अकबर दिल्ली में था उस समय दिल्ली का थोड़ा समझो भारत उसके अंडर में है। ऐसे ही उस समय कन्नौज था जिस पर कन्नौज का आधिपत्य था समझो कि भारत उसका ही काम आने का क्योंकि सबसे बड़ी रियासत थी। तो कन्नौज, राष्ट्रकूट और पाल वंश इस तरह से यहाँ पर ये जो वंश थे। अब इनके अंदर क्या होता है वो देखिएगा, इनके अंदर छिड़ा भाई क्या त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष में इधर से ये, इधर से ये, इधर से गुर्जर प्रतिहार, तीनों की मुठ भेड़ होती है और तीनों में जो विजय प्राप्त करता है वो करता है एक वंश जिसका नाम था गुर्जर प्रतिहार वंश। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में जो जीत हुई थी, विजय हुई थी, वो किसकी हुई थी? गुर्जर प्रतिहार वंश। राजस्थान का प्रथम अगर राजवंश पूछा जाए, वह अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ राजवंश कौन सा था तो वो कौन सा था? गुर्जर प्रतिहार वंश। सर ये अपने आप को किसका वंशज मानते थे? मैं गुर्जर प्रतिहार वंश की बात कर रहा हूं। अब गुर्जर प्रतिहार वंश हेडिंग डाल के लिखना शुरू कर दो। ये जो अपना वंशज मानते थे ये लक्ष्मण को मानते थे। लक्ष्मण जी को अपना क्या मानते हैं वंशज? आप कहोगे सर कुल देवी, अपनी जो कुल देवी मानते हैं वो मानते हैं चामुंडा माता को। बहुत बार प्रश्न आया है कि प्रतिहारों की कुल देवी चामुंडा माता। चामुंडा माता का जो मंदिर है वो है मेहरानगढ़ दुर्ग में और मेहरानगढ़ का जो किला है वो राजस्थान के किस जिले में है? जोधपुर में। आप इस बात को जहन में रखना बिल्कुल। अब सुनिएगा मेरी बात, यहां जो हमारा ये राजस्थान है ये वाला माउंट आबू का आपने नाम सुना होगा। मैं ये आपको एक स्टोरी बताता हूं छोटी सी, इस प्रतिहार से संबंधित है। बताते हैं कि यहां माउंट आबू में एक ऋषि था और उस ऋषि ने यहां पर एक यज्ञ किया और यहां पर जो यज्ञ किया और यहां से उन्हें चार जातियां निकाली। इसकी ट्रिक याद रखना, PPCC। कितनी जातियां निकाली? चार। जो अग्निकुंड है यहां अग्निकुंड, वहां जो ऋषि ने यज्ञ किया उसमें कितनी जातियां निकाली? चार। PPCC, पी से हो जाएगा प्रतिहार, पी से हो जाएगा परमार, सी से हो जाएगा चालुक्य और अंतिम जो निकले थे वो था चौहान वंश। ये जो अग्निकुंड सिद्धांत है इसका प्रतिपादन अग्निकुंड सिद्धांत जो दिया था वो देता है चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई जो थे वो चौहान वंश में पृथ्वीराज के दरबारी थे। ये दरबारी किसके थे? पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय थे उसके क्या थे? दरबारी थे। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, अग्निकुंड से उत्पत्ति जो बताई है वो चंद्रवरदाई ने बताई है। चंद्रवरदाई कहता है कि ये जो यज्ञ होता है यहां से विशिष्ट ऋषि ने जो यज्ञ किया था उससे चार जातियां निकली। वशिष्ठ ऋषि है राम में याद रखना,
प्रतिहार परमार चालुक्य चुवानी, ये क्रम याद रखना। सबसे पहले जो जाति निकली उसका नाम क्या था, अग्निकुट सिद्धांत से प्रतिहार। एक मिनट का समय देता हूँ, चारों के चारों याद कर लो। पहला बोलो प्रतिहार परमार चालुक्य चौहान, प्रतिहार परमार, वेरी गुड, चालुक्य चौहान। अब मैं साफ करके सुनूंगा, अब बताओ प्रतिहार परमार, वेरी गुड, चालुक्य चौहान। इतनी त्रिपक्षीय संघर्ष की थाना मन में उम्मीद करूंगा बात समझ में बढ़िया तरह आगे कोई दिक्कत आ रही बात कोनी कोनी चला गए चालो कुछ देखो। अब गुर्जर प्रतिहार वंश की जो जानकारी मिलती है वो कहाँ मिलती है, अगर हम बात करें साथीगणों जानकारी की, तो आपने एक बात सुनी होगी क्या गुरु जी, गणित सुनी है क्यों, मोहनौत नैन्सी का नाम तो सुना होगा, मुणौत जो नैन्सी थे यह दरबारी कवि थे जसवंत सिंह के, ओसवाल जाति के थे, किस जाति के थे, ओसवाल जाति के, ओसवालों की कुल देवी कहा जाता है किसे भाई, सचिया माता को। कौन कहते हैं भगवान होते नहीं, ओसिया, ओसिया कहां पड़ता है, जोधपुर में, यहां इस माता का क्या बना है, सचिया माता का मंदिर बना है। सुनिएगा ध्यान से, दरबार में किसके थे, जसवंत सिंह के दरबार में थे मुणौत नैन्सी के। पहले मैं थोड़े से बात बता दूं, मुणौत नैन्सी की उपनाम, इसे राजपुताने का अबुल फजल कहते हैं, और राजपुताने का जो अबुल फजल कहा था वो कहा था मुंशी देवी प्रसाद ने। ठीक है, इसे कहा जाता है जनगणना का अग्रज, जनगणना का अग्रज भी किसे कहा जाता है, मुणौत नैन्सी। इसने जो ग्रंथ लिखे थे उसमें एक का नाम है मारवाड़ रा परगणा रिविगत, इसे राजस्थान का गजेटियर ग्रंथ कहा जाता है। राजस्थान का गजेटियर किस ग्रंथ को कहा जाता है, मारवाड़ रा परगणा रिविगत को। इन्होंने दूसरा ग्रंथ लिखा था नैन्सी रिख्यात, यह प्रथम ऐतिहासिक ख्यात मानी गई है, कौन सी, नैन्सी ख्यात को। इसी नैन्सी ख्यात के अंदर इन्होंने प्रतिहारों की 26 शाखाओं का वर्णन किया है। प्रतिहार वंश की जो शाखा बताई है वो कितनी बताई है, 26। प्रतिहारों की 26 शाखा का जो उल्लेख है वो नैन्सी करता है नैन्सी ख्यात में। इस 26 शाखाओं में दो शाखाएं ऐसी थी जो राजस्थान में थी, पहली हम शाखा पढ़ेंगे मंडोर, दूसरी जो शाखा पढ़ेंगे उसका नाम है भीनमाल। मंडोर मेरे साथियों जोधपुर के अंदर है, भीनमाल जालौर में है। इनकी सारी बातें करें, क्या उपनाम है इनके, एक बार आप इतना याद रखिए। ठीक है, और सर इसकी जानकारी कहां मिलती है, एक तो मुणौत नैन्सी ने बता दी इनकी 26 शाखाएं, भारत में कुल 26 शाखाएं हैं, इसमें राजस्थान में दो है, पहली मंडोर दूसरी भीनमाल। तो प्रतिहारों की कितनी शाखाएं हैं कुल, मुणौत नैन्सी बताता है 26 हैं, जो राजस्थान में दो है मंडोर और भीनमाल। और जानकारी कहां मिलती है, और जो जानकारी मिलती है वो मिलती है गटियाला शिलालेख, एक गोसुंडी शिलालेख है, गटियाला दोनों एक जैसे हैं, गोसुंडी चित्तौड़गढ़ में है गटियाला जो शिलालेख है, और राजस्थान के किस जिले में है साथीगणों, मेरे मित्रों मेरे अजीज, जोधपुर के अंदर। अब सुनिएगा बात ध्यान से, ये जो गटियाला शिलालेख है जोधपुर में, इसमें एक व्यक्ति का नाम मिलता है। प्रतिहार वंश की जानकारी किस शिलालेख में मिलती है, याद रखना मैंने पीछे बताया भी है, गटियाला शिलालेख में। यहां एक व्यक्ति का नाम मिलता है हरिश्चंद्र का, इस हरिश्चंद्र की प्लस लगा दिया पत्नी, पत्नी का नाम था भद्रांगिनी, इस भद्रा भी कहे ना। इन दोनों से बताते हैं चार पुत्र हुए,
कितने पुत्र हुए? चार पुत्र। सर कौन कौन से पुत्र थे? कद्दद, ददद, बोगभट्ट रजिल। मेरे साथी गणों एक बात याद रखना, सबसे शक्तिशाली जो था वो था रजिल, और इसी रजिल ने जीत लिया था मंडोर को। मंडोर को क्या कर लिया? विजय। जैसे ही मंडोर को जीता है, अपनी शाखा आरंभ कर देता है मंडोर को। ये जो हरिश्चंद्र है, इससे एक प्रश्न आता है, इसके उपनाम पूछता है, इसे कहते हैं प्रतिहारों का मूल पुरुष। मूल का मतलब होता है जिनसे निकला है, तो यहीं से निकला है, आदि पुरुष। आदि पुरुष मूल पुरुष किसे कहा जाता है? हरिश्चंद्र को। और मंडोर शाखा का जो संस्थापक माना जाता है प्रतिहारों में, वो किसे माना जाता है? आपको एक ही नाम याद होना चाहिए, रजिल को। किसे माना जाता है भाई? रजिल को। तो इतनी बात हम उम्मीद करेंगे आपको अच्छे समझ में आई। अब हम जो शाखा पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मंडोर। तो बात याद रखना, हरिश्चंद्र भद्रा के चार पुत्र, कद्दद, बोगभट्ट, रजिल। और जो रजिल था वो सर्वश्रेष्ठ था, तो उसने मंडोर को जीत लिया। आइए अब हम जानते हैं मंडोर के बारे में। अब देखिए, अब जो हम शाखा पढ़ने वाले हैं उस शाखा का नाम है मंडोर। मंडोर कहां पर है? जोधपुर में। मंडोर को बेहतर समझने के लिए आप एक बात काम करो। क्या गुरु जी? के काम करा, काम को वही कर लिया। देखो, सबसे पहले मंडोर को दो भागों में बांट लो। एक में हम पढ़ेंगे सामान्य परिचय, और दूसरे भाग में हम पढ़ेंगे इस वंश में जितने भी शासक हुए थे उनको। सबसे पहले बात करें सामान्य परिचय में, तो मंडोर का अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि प्राचीन नाम क्या है, तो आप नाम बताओगे। इसका प्राचीन जो नाम है वो है मांडव्यपुर, क्योंकि बताते हैं यहां पर मांडव्य या मांडव ऋषि की तपोभूमि है। मांडव्यपुर नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहां पर एक ऋषि ने तपस्या की थी जिसका नाम क्या है? मांडव ऋषि। और इसी मंडोर को रावण के विवाह की चमड़ी भी कहा जाता है। किसे कहते हैं? इसी मंडोर को। अब ऐसे मंडोर लिखे, इसकी बातें लिखो। पहली बात, रावण के विवाह की चमड़ी इसको कहते हैं। ये जो मंडोर है, यहां पर एकमात्र राजस्थान में क्या है? रावण मंदिर। दूसरी बात लिखो, रावण की जो पूजा होती है वो कहां पर होती है? मंडोर में। रावण को पूजा जाता है कहां पर? मंडोर में। रावण किस जिले में नहीं जलाया जाता? किस में? मंडोर, जोधपुर में। अब जुआई है, जुआई ने बाड़ागा थोड़ी नहीं जलाया जाता है। रावण नहीं जलाया जाता है, कहाँ नहीं जलाया जाता है दोस्तों? मंडोर में। सिंपल। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। एकमात्र रावण मंदिर, रावण की पूजा, रावण नहीं जलाता। सर रावण को नाम आ गयो, तो रावण का जो दशहरा है वो कहाँ बनाया जाता है? तो दशहरो जी को है, सारों प्रसिद्ध दशहरो राजस्थान में कोटा का, जो किस राजा के काल में शुरू हुआ था? है माधव सिंह के काल में। भारत का सर प्रसिद्ध मैसूर का, भारत का प्रसिद्ध दशहरा कहाँ का है? मैसूर का। तो इतनी बात ही में याद रखनी है। हम बात कर लेते हैं अब शासकों की। देखो शासक भी सिंपल है। सबसे पहला राजा आपको मैंने बता दिया कौन सा हुआ था, रजिल। इसके बाद जो राजा हुआ था उसका नाम क्या था? नागभट्ट। इसके बाद जो राजा हुआ था उसका नाम था
जोट, और जोट के बाद जो राजा हुआ वो हुआ था इंदा। इतने ही मेन इंपॉर्टेंट राजा है जो हमें पढ़ने हैं, रजिल, नागभट्ट, जोट, इंदा। करना रहे याद, एक मिनट है था मैंने। रजिल, नागभट्ट, जोट, इंदा। सारों में पहला बात करा रजिल की, तो इस रजिल ने किसको विजय किया था? आप कहोगे मंडोर को। बिल्कुल, मंडोर को विजय किया और अपनी क्या बनाई? राजधानी बनाई। एक बात नोट लगा के सबसे महत्वपूर्ण याद रखना कि प्रतिहार वंश की प्रारंभिक जो राजधानी थी वो कौन सी थी? वो थी मंडोर। मंडोर को प्रतिहारों ने अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाया था। एक गुरु थे जिसका नाम है ब्रह्महरि, ब्रह्महरि ने इसको उपाधि दी, और सर उपाधि किसकी दी थी? राजा की। इस रे को पकड़ो और रे से याद रखना, इसने एक यज्ञ करवाया था, राजस्व यज्ञ। राजस्व यज्ञ था वो किसने करवाया था? रजिल ने। तो नागभट्ट, सॉरी रजिल की कितनी बात है? तीन बात। ब्रह्महरि ने उपाधि दी, किसकी दी? राजा की। मंडोर को राजधानी बनाया और राजस्व यज्ञ करवाया, तीन बातें याद करनी है। बात करा नागभट्ट की, इस नागभट्ट ने अपनी जो राजधानी है वो चेंज कर दी थी, क्या बनाई थी? मेड़ता को। मेड़ता कहाँ पर है? नागौर में। इस मेड़ता को क्या बनाता है ये? राजधानी। सिंपल है, इसको याद रखिए। ये प्रश्न सेकंड ग्रेड में आया है, जोट, ये भी पूछ लेंगे, सारी इंपॉर्टेंट बातें लिखा रहा हूँ। जोट, जोट जो था साथी गनो, वो संगीत प्रेमी था, और यही कुशल क्या था? वीणा वादक। तो दो बातें इसकी याद रखना, पहली बात क्या याद रखोगे? जोट संगीत प्रेमी था, दूसरी बात वीणा वादक। इंदा, इंदा की पुत्री थी जिसका नाम था इंदुवती, पुत्री का नाम था इंदुवती। इंदुवती, मैं संग संग आया तेरी यादों का मेला। संग, इसने विवाह करवा दिया मारवाड़ के राजा राव चूड़ा के साथ। किसके साथ करवाया? चूड़ा। चूड़ा जो पुत्र था वो वनवीर का पुत्र था। चूड़ा के साथ क्या करवाया? विवाह। इंदुवती संग चूड़ा क्या हो गया? गुरुजी विवाह हो गया। ब्याह हो गया तो चलो कोई बात को नहीं, ब्याह के सागर सागर दहेज में उठाए के दियो, दहेज में दिया था मंडोर। देखो आजकल अपने दहेज में सिंकल दे, कार दे देगा, मोटरसाइकिल दे देगा, एलईडी दे देगा, एसी दे देगा, फ्रिज दे देगा, ऐसी चीज़ें दे। बाइडो गल तू ही के याद रखो, ब्याह हो तो क्यों हो चक दहेज में मंडोर। मंडोर दहेज में देते ही चूड़ा ने क्या किया? इनके पास कोई राजधानी नहीं थी, ये प्रारंभिक राजा है। कुछ राजा हैं जैसे राव सिंह संस्थापक था, उसके बाद अनेक फिर ही आएगा मंडोर। इसने मंडोर को अपनी क्या बनाई? चूड़ा ने, राजधानी। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक प्रश्न और पड़ गया यहाँ, क्या सर? कि राठौड़ वंश की या राठौड़ों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कौन सी थी? मंडोर। राठौड़ों ने भी अपनी प्रारंभिक जो राजधानी बनाया था वो किसको बनाया था? मंडोर को। सिंपल, रजिल, नागभट्ट, जोट, इंदा। रजिल तीन बातें, ब्रह्महरि उपाधि, दूसरी बात की याद रखनी है कि इसने मंडोर को विजय किया, राजधानी बनाई, तीसरी बात राजस्व यज्ञ। नागभट्ट मेड़ता को राजधानी बनाया, जोट संगीत प्रेमी था, वीणा वादक था, इंदा पुत्री इंदुवती का विवाह किया चूड़ा के साथ जिसको मंडोर दहेज में दे दिया, और चूड़ा ने अपनी जो प्रारंभिक राजधानी है वो किसे बना ली? मंडोर को। बस इतक तो है, कितने की बात है। आज आप एक शाखा कंप्लीट पढ़ ली है, जी को नाम है मंडोर, और मंडोर के कल पढ़ेंगे हम भीनमाल शाखा को। तो मेरे साथी गणों, आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। नोट्स व्हाट्सएप वो देता रहता हूँ, डिस्क्रिप्शन के अंदर ही आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है साथियों? और थोड़ा स्टेटस स्टेटस लगा रहे, अगर खुशी मिले भी, यहाँ सहयोग तो पूरा दिल कर ला रहे हो, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू दिल की गहराइयों से आप सभी का ये जो प्रेम है ये सलाखों पर। तो मेरे साथियों, इसी के साथ हम मिलेंगे अगले भाग में, धन्यवाद, पढ़ते रहिए, बिल्कुल।